प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं संसद भवन के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन प्रशांत, यहां पर अब सरकार बचेगी कैसे इस मुद्दे पर, कैसे डिफेंड करेगी अपने आप को? हालांकि कल से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया, सिर्फ अमित मालवीय का ट्वीट हमने जरूर देखा जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन कैसे डिफेंड करेगी अपने आप को इस मुद्दे पर? देखिए, जिस तरीके का ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है उस पे कोई भी इसको डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, डिफेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक अच्छी बात थी कि कोई खतरा या कोई मतलब वहाँ जान खतरा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुई, मल्टी लेयर सिक्योरिटी ब्रीच हुई, बंदा वहां तक पहुंचा और उसने वो एक ऐसी चीज अपने जूते में छुपा करके ले गया और जो उसको करना था उसने कर दिया। हालांकि वो गैस से हवा थी, धुआं थी, उसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इतना बड़ा है कि उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अब आगे की कार्रवाई जो ये है कि जैसा कि कल रात में खबर आई थी कि गृह मंत्रालय ने इस पर सख्त रुख अपनाया है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और उसके बाद मल्टीपल एजेंसियां इसमें काम करेंगी और कर रही हैं इसको अनर्थ करने के लिए कि ये कॉन्स्पिरेसी किसकी थी, कितनी बड़ी थी। मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है और उसको एक 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 अभी जो जानकारी मिल रही है कि कोई अर्बन नक्सल का एंगल इसमें निकल के सामने आ रहा है, ये अभी बहुत पुष्ट नहीं है, लेकिन अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो पूछताछ लोगों से हुई है अर्बन नक्सल का एंगल इसमें निकल के सामने आ रहा है और अलग अलग जगहों से लोगों को कलेक्ट किया गया है और उनको तैयार किया गया। देखिए, क्योंकि जो लड़के कूदे हैं उनको पता है कि उनका अंजाम क्या होगा, संसद के अंदर इससे कूदेंगे और धुआं उड़ाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ेगा, पकड़े तो जाएंगे, वहां से भाग तो सकते नहीं है। ये सब कुछ यानी कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत उनको वहां पे अंदर घुसाया गया, उनको अंदर घुसने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार किया गया। कुछ लोग अंदर कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर कर रहे हैं, तो जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है वो एक अलग पहलू है और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है ये दूसरा पहलू है। तो अब उस कॉन्स्पिरेसी को स्टेप बाय स्टेप काफी लोग पकड़ में आ गए हैं, बहुत लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी आगे एक तरीके से प्रोग्रेस में है, पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है, लेकिन कौन है इसका मास्टरमाइंड और पर्पस क्या था, मोटिव क्या था, किस तरीके से? और दूसरी बात कि ये जो एक समीक्षा होने जा रही है, समीक्षा की जा रही है, उस समीक्षा में भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, सुरक्षा समीक्षा में कि किस तरीके से क्या जो SOP बनी हुई है दर्शक दीर्घा में किसी के अंदर विजिट करने की, क्या वो कहीं वॉयलेट हुई है, कितनी बार हुई है, कितनी सिक्योरिटी की कमी है, इन तमाम चीजों को अब गृह मंत्रालय की वो जो विशेष टीम बनाई गई जिसमें उनका विश्लेषण किया जाएगा, समीक्षा होगी।